बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, कोई इस परिवार से पूछे। आंखें पथरा चुकी हैं, आंसू सूख गए हैं। बेटी के साथ जो बर्बरता हुई, उसकी जंग परिवार लड़ रहा है। इंसाफ के लिए इंकलाब का नारा भी बुलंद हो रहा है। परिवार गमगीन है। इस घर की चौखट पर अचानक नेताओं के कदमों की आहट बढ़ गई है। कुछ धरने पर भी बैठ गए। उनको विरोध में ये करना जरूरी लगा। जो कुछ भी हुआ वो कलेजा कंपाने वाला है। करौली का नदौती थाना, हिंडौन सिटी के इसी गांव में एक बेटी अगवा हुई। गैंगरेप के बाद उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया। दरिंदों को इससे भी तसल्ली न मिली तो हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। हमको ये चाहते हैं मिलनी चाहिए। इतना क्रूर अपराध करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो नेताजी एक्शन में आ गए। धरने पर बैठ गए, इंसाफ की बातें होने लगी, प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए रणनीति बनने लगी। तो इतने गंभीरतम मामले में अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा। मेडिकल जो हुआ है उसमें पक्षपात हुआ। आपको जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले। वारदात संगीन है और पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम। मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है। पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने नेताओं की फौज आदम की, जुलूस निकल रहे हैं। गहलोत सरकार को कोसा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। महिला अपराध को लेकर पुलिस निकम्मी क्यों साबित हो रही है? पूरे देश में कई जगह ऐसा हो रहा है। वजह क्या है, इसकी पड़ताल करना बनता है। मृतका है और आरोपी की आपस में पूर्व में जान पहचान थी। ये जानते थे एक दूसरे को और ये दोनों, ये इस जो मृतका है आरोपी के साथ घर से गई है, उसके बाद अपने पिता के एक मकान पे लेके गया। घर वालों ने रिश्ता भी कहीं और किया था जिससे वो खुश नहीं थी और संभवतया इसी बात को लेके इनका कहीं विवाद हुआ है और इसी के चलते इसकी हत्या। इसके जो पिताजी हैं लड़के के, जो गोलू मीना के पिताजी को भी डिटेन किया है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम है हत्या का, इसमें इनकी इसने अपने बेटे की मदद की। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही तो नौकरी पर रखा गया है आपको, लेकिन जांच उस रफ्तार और उसी अंदाज में होती है जैसे अपराध और अपराधी होते हैं। आपकी जांच से तो यही लगता है कि ना तो ये अपराध आपको हिलाकर गया और ना ही अपराधियों की हरकत पर आपको कोई हैरानी है।